इनका जो रिवाज अभी चला है, ट्रेंड चला है, ये सबसे पहले हमारे इलाके अली मोहम्मद मोल्ला जो इस वक्त पूरे लियारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज है दूसरा मैच और 6 बजे और यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह लगेगा और यहाँ पर जो है गटर उबल गया पहले से और लड़के जो है अपनी मदद आप अभी सफाइयाँ कर रहे हैं। कार बह गए सफर ये और ये यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह बनाया जा रहा है, जो स्क्रीन नया लिया है और यहाँ पर लगाएंगे। अभी तो टाइम है तकरीबन 6 बजे ये तैयारी वगैरह हो रही है, यहाँ पर जो है मिस्त्री लगेगा और मैंने कल दिखाया आपको यहाँ पर स्क्रीन लगी थी और वहाँ पर और यहाँ पर, तो फ़िलहाल 6 बजे का वेट करते हैं और 6 बजे इंग्लैंड और ईरान का मैच है फिलहाल पहला। यहाँ पर भी कलर हो गया है, ईरान का अधूरा है और यहाँ पर ये मैच ब्राज़ील पुर्तगाल इंग्लैंड अर्जेंटाइन डेनमार्क और ये हाँ। कदीर भाई आज किसको सपोर्ट करोगे? आज ईरान इंग्लैंड, ईरान जीत जाए, ईरान जीत जाए। चलो हाँ वहाँ बांधा मैच है मैं टीम में माँ लुगाई चाह रही हाँ अर्जेंटीना अल्लाह मालिक के आओ हाँ। बात लोग कहते हैं शायद मलीर ने लियारी को मात दे दी है, मलीर आगे निकल गया है, आप क्या समझते हैं ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है, कौन सा लीड सिस्टम था उस जमाने में? जो मैंने वो संभाला 1982 से मैं वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, सिर्फ 3-4 मैच है पी टी वी इसने स्टार्ट किया था अली मोहम्मद मोल्ले से। 1986 में जब यहाँ स्टार्ट हुआ टी वी वगैरह लग गए, इर्द गिर्द के जितने भी इलाके के लोग यहाँ आके देखते थे हमारे इलाके में 3-4 टी वी लगा, ये मुख्तलिफ मैदान में यहाँ के 3-4 टी वी वगैरह बाहर के लोग आके रात को यहाँ इंजॉय करते थे 1986 से ये स्टार्ट। और पैनल में हम लोग हार गए 2-1 से, सही है। अभी देखो 4 साल बाद वर्ल्ड कप आती है तो हर किसी के दिल में जोशो खरोश होता है, हमदर्दी पैदा होती है, एक दूसरे के लिए जद्दोजहद करते हैं, ये फिर एक बनाने के लिए हम लोग चंदा इकट्ठे करते हैं। बात ये भी है मतलब हर किसी का अपना अपना टीम है, फ्लैग बनाने में और झंडे बनाने में इसकी तरह एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लियारी या मलीर वहाँ पे 32 टीमें लड़ रही हैं या लियारी और मलीर में मुकाबला चल रहा है, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा ये जो पेंटिंग का जो रिवाज अभी चला है, ट्रेंड चला है, ये सबसे पहले हमारे इलाके अली मोहम्मद मोल्ला जो इस वक्त पूरे लियारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मतलब जो सजावट के लिहाज से या फ्लैग वगैरह के लिहाज से। और एक और बात आपको बता दूँ, इस इलाके में छोटा सा इलाका है लेकिन वहाँ पर कुल मिलाकर 3 स्क्रीनिंग हो रही है हर मैच में। क्या और लियारी वालों का क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या देंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि मलीर में सिर्फ एक ही इलाका है जो है शायद ज़्यादातर ट्रेन में चले, और लियारी की अगर बात करें तो पूरी लियारी में ही मतलब सजावट बनी है, लेकिन बिल्कुल हकीकत में क्रेज़ कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है? लियारी में क्योंकि बहुत से लोग अभी में जो फॉरेन वगैरह मतलब रहते हैं वो स्पेशली वर्ल्ड कप अटेंड करने लियारी आए हमें, क्योंकि कतर में चल रहा है वर्ल्ड कप लेकिन वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें कहा कि मैं स्पेशली हमने छुट्टियाँ लेकर मतलब जो ऑफिस वगैरह के लीव मैंडेटरी लेकर स्पेशली लियारी आए हैं और ये सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए जश्न के लिए, और यहाँ पर ईद का समय है वो लियारी में। और ये बहस क्यों है कि लियारी और मलीर की बहस क्यों छिड़ी है? इसलिए क्योंकि दोनों इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा फुटबॉल लवर हैं और ये दोनों जो मलीर और लियारी दोनों जगह अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से मतलब निकले हैं, पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंट किया है, तो दोनों तरफ अच्छे मतलब फुटबॉल क्रेज़ पाया जाता है, लेकिन लियारी इस बार नंबर 1 है। स्पोर्ट्स को मंदिर से ज़्यादा बहुत आगे, लियारी में ग्राउंड भले ही नहीं है मगर टैलेंट बहुत है, लियारी में ग्राउंड मतलब ग्रासेस नहीं है, कोई रेती के ग्राउंड है, ये सब इन्हीं 9 साइड है 11 साइड है सारे रेती के हैं, कोई ग्रास का नहीं है, मलीर वालों के पास ग्रास के ग्राउंड है मगर वो टैलेंट नहीं है जो लियारी में टैलेंट है। इस तरफ भी स्क्रीनिंग हो रही है
टाइम हो गया और स्क्रीनिंग जो आपने देखा है, ईरान ने तकरीबन 3 गोल खाया है इंग्लैंड के अगेंस्ट और दूसरा आप जारी है। और बताता चलूँ, आज भी मीडिया वाले आए हुए थे, मीडिया वालों ने थोड़े सेगमेंट वगैरह बनाए और फिलहाल, लेकिन कल जो मैच होगा ना, मैच तो कल है सऊदी वर्सेस अर्जेंटाइन, मेरी टीम अल्लाह बालिक है। जी बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भले ही कतर में उसका इनेकाद हो रहा हो, लेकिन मिनी ब्राजील कहलाने वाला कराची का इलाका लियारी, वहाँ के फुटबॉल के मतवालों का जो आपको दिखा रहे हैं फुटबॉल जो है, इस वर्ल्ड कप बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, स्क्रीन लगाए हुए हैं, अपने मदद आ रही है सारा, अपने झंडा करके झंडे बनाए, स्क्रीन लगाए, हमेशा हम इंजॉय करते हैं और आज का मैच भी बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। जैसे आज के मैच में किसको सपोर्ट करें? आज के मैच में हम सेनेगल को सपोर्ट करेंगे, अच्छे मैचेस होंगे उसमें इंजॉय करना है, मतलब डॉल वगैरह जो हैं दूसरे जो सपोर्टर हैं अपने टीमों के साथ, वो डॉल वगैरह का भी है इंतजाम करेंगे। अच्छा, अगर फाइनल तक सऊदी अरेबिया पहुँच जाती है फिर क्या तैयारी होगी, क्या होगा इस इलाके की? फिर तो एक अलग ही जश्न होगा। वैसे मैं बोलता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि सऊदी अरबिया जीते, इंशाल्लाह कल पहला मैच है, कल जीतेगी। बहुत शुक्रिया। नारा लगा दो एक अर्जेंटीना।